का बेटा नए आए हो का कॉलेज में? अपने सीनियर से कैसे बात करनी है, तमीज नहीं है तुमको? सॉरी सर। अरे भाई लौंडा तो अंग्रेजी बोलता है। हे, चल निकल यहाँ से। अंकल एक चाय। क्या बे, तू ही पिएगा क्या? अबे बउए, कहाँ जा रहा है? उठ, तुझे एक मेरा काम करना है। जी सर, बताइए। वो लड़की देख रहे हो? ले जा, प्रपोज करके आ। उधर जा, उधर। चलो चलो, चल आगे बढ़। एक्सक्यूज मी, क्या है? क्या हुआ? मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। क्या है, तुम लोग क्यों उसकी रैगिंग कर रहे हो? बेचारा वो इतनी दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आया और तुम लोग उसकी रैगिंग कर रहे हो। बहुत ही ज्यादा बदतमीज किस्म के लोग हो तुम लोग। खुद भी पढ़ो, ये नहीं कि अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहे हो तो दूसरों की भी करो। सुप्रीम कोर्ट की बेंच से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर अब कोई भी छात्र किसी की रैगिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज कराया जाएगा। रैगिंग के नाम पर समय समय पर अमानवीयता का चेहरा भी सामने आया है। गलत व्यवहार, अपमानजनक छेड़छाड़, मारपीट, ऐसे कितने विभत्स रूप रैगिंग के सामने आए हैं। सीनियर छात्रों के लिए रैगिंग भले ही मौज मस्ती हो सकती है, लेकिन रैगिंग से गुजरे छात्र के जहन में रैगिंग की भयावहता मिटती नहीं है। रैगिंग यह शब्द बोलने में सामान्य लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी भयावहता को वो ही छात्र समझ सकते हैं जो इसके शिकार हुए हैं। आधुनिकता के साथ रैगिंग के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। रैगिंग आमतौर पर सीनियर विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज में आए नए विद्यार्थियों से परिचय लेने की प्रक्रिया है, लेकिन अगर किसी छात्र को रैगिंग के नाम पर अपनी जान गंवानी पड़े तो उसे क्या कहेंगे?